नगर शहर का पंचायत समिति कार्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पंचायत समिति की नई इमारत 2 साल से बंद पड़ी है और यहां का प्रवेश द्वार टूटकर गिरने की स्थिति में पहुंच चुका है। पेश है दिग्रज संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रज शहर में स्थित पंचायत समिति कार्यालय और बदहाली का मानो चोली दामन का साथ है। पंचायत समिति कार्यालय दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है। यहां का भारी भरकम प्रवेश द्वार मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसमें बड़ी दरारें आने वाले समय में किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रही है। ये प्रवेश द्वार टूटकर कब ध्वस्त हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां दिग्रस तहसील के समस्त ग्रामीण विभागों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। हजारों की तादाद में लोग यहां विभिन्न प्रशासकीय कामों के निपटारे के लिए आते हैं। इस गेट की जर्जर अवस्था देख खुद लोग भी चिंतित नजर आ रहे हैं। कागज पत्र काम करावे लगते आणि पंचायत गेट तुटलेला आहे, त्यांना जरासं लक्ष द्यायला पाहिजे पंचायत समितीच्या अधिकारी लोकांना। अशी आमची सरकारला विनंती आहे किंवा पंचायत समितीच्या गेटचं काम करायला पाहिजे। हजारोच्या लोकसंख्येनं इथं लोक येतात बा काम करायला, त्यांच्या अंगावर गेट पडण्याची शक्यता आहे। पंचायत समिति कार्यालय विभिन्न दुरावस्था और असुविधाओं से जूझ रहा है। लोगों के मुताबिक इस बदहाली के लिए यहां का प्रशासन जिम्मेदार है। पंचायत समिति की नई प्रशासकीय इमारत का लोकार्पण हुए यूं तो 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक नई इमारत बंद है। 2 साल पहले इस नई इमारत का लोकार्पण तत्कालीन वन मंत्री संजय राठौड़ के हाथों हुआ था। उस समय इस नई इमारत के निर्माण कार्य का जोर शोर से ढिंढोरा भी खूब पीटा गया था, लेकिन अब तक इस बिल्डिंग में वास्तविक रूप से प्रशासकीय कार्य का शुभारंभ नहीं हुआ है। वैसे भी आजकल राजनीति की सक्रियता और विकास कामों के उद्घाटन, लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रचार के हथखंडे बन चुके हैं। ऐसे में ऊंची ऊंची प्रशासकीय बिल्डिंगें हो या बंद पड़े कथित व्यापारी संकुल हो या अनावश्यक नाट्य गृह हो, इन सबकी प्रासंगिकता वास्तविक उपयोग से कोसों दूर नजर आ रही है। फिर ऐसे में पंचायत समिति का जर्जर हुआ गेट हो या यहाँ की नई इमारत हो, ये किस खेत की मूली है? कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग की आंधी में जमीनी स्तर के जनता से जुड़े असल मुद्दे ध्वस्त होते जा रहे हैं और ये बेहद अफसोस की बात है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।